क्या हुआ? बिफोर आफ्टर। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा ट्रिम वगैरह करने, नया एक हेयर स्टाइल जो है लेने, तो फिलहाल चलते हैं बाहर। और कल मैं गया था कुंभ मेला देखने, बट अनफॉर्चुनेटली मैं गया नहीं देखने, मेला इतना भीड़ था, मैं रिटर्न चला आया। फिलहाल अभी चलते हैं और हमारे वैलेंटिनो को जो है मैं पोस्ट कार्ड दे रहा हूँ, पोस्ट कार्ड दे दिया। अब निकलते हैं, जाते हैं सलून में, हेयर कट करा के आते हैं। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। काफ़ी लोगों का मतलब ये था ना कि यार बाल दाढ़ी इतने बढ़ गए हैं, और ऑनेस्टली वो तो मुझे टाइम ही मिलता नहीं है जो जाके मैं ये सब चीज़ करूँ। बट मम्मी पीछे बढ़ गई थी, अरे बाल कटा भाई, काफ़ी दाढ़ी वाड़ी काफ़ी बढ़ गया था, और मेरा एक मीटिंग्स वगैरह भी है कुछ, तो इसके लिए जो है इतना सेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल फटाफट कर लेता हूँ और सलून में आया हूँ आके अपने आप को क्लीनिंग करके, इसके बाद मैं जाऊँगा केक पर। और यूजली कल मैं गया था, यहाँ पर एक कुंभ मेला हो रहा था, मैं वहाँ पर गया था, पर इतना भीड़ था ना, और बाइक पार्किंग का भी इशू हो रहा था। तो मुझे एक्चुअली सच बोलूँ तो यार बाइक छोड़ के जाना कि मुझे बिल्कुल जो है वो जमता नहीं, इस वजह से जो है मैं गया नहीं, ट्रेन लेने को छोड़ के मैं रिटर्न आ गया वहाँ से। अब और इच्छा भी नहीं उतना दूर चल के जाना, 2 किलोमीटर चलना, फिर ये सब करना नहीं। फिलहाल फटाफट हेयर कट कर लेता हूँ, फिर चलते हैं ठीक है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो हेयर कट आप देख सकते हो, हेयर कट मैंने कर लिया, ये पूरा जो है हेयर कट मेरा हो गया है, और अभी जस्ट आया हूँ केक में, और यहाँ पर जो है मैंने चाय वगैरह जो है मैंने पी लिया है अभी, और सिगरेट वगैरह पी के अभी मैं जाऊँगा घर के, क्योंकि नहाना पड़ेगा क्योंकि पूरा बाल जो है अपना आँख पे गिरा हुआ है। और यूजली ऐसा होता है कि आज संडे के दिन में सुबह बाज़ार जाता हूँ, बट आज मुझे यहाँ पर जाना था, बोलते जो है मैं जा नहीं पाया। तो मैं जो है अभी गया था, हेयर कट वगैरह किया, तो कल रात को जो मैंने अंडे लाए थे तो अंडे में ही सो है, आज दोपहर के लंबी सर अंडा ही बनेगा, और यूजली चिकन वगैरह कुछ रहता है, बट आज जो है मैं डायरेक्टली शाम को जाऊंगा बाजार, क्योंकि ऐसे होता है कि संडे के दिन जो है मैं एक बार का बाज़ार करता हूँ, वीकडेज में जो मुझे जाने मिलता नहीं है, संडे के दिन जाके मैं बाज़ार वगैरह करके बिल्लियों का जो फिश होता है मैं वही जो है आज ही खरीदूंगा, और शाम को जाऊंगा बाजार। कोशिश करूंगा वहाँ पर कुछ शूट करने का, बट श्योर नहीं होता क्योंकि बैग वगैरह हेलमेट वगैरह ऐसा मेरे को काफ़ी दिक्कत हो जाता है। फिलहाल जो है मैं वो कर लेता हूँ, निकलता हूँ घर पे, देखता हूँ कुछ देर यहाँ पर कितना टाइम पास हो, फिर जाऊँगा घर पे। मैंने देखा है यूजली मैं जब भी हेयर कट मैं कराता हूँ, जब भी मैंने हेयर कट करके मैंने वीडियो बनाया, मैंने एक चीज़ मैंने हमेशा बोला है ना, यहाँ पर मेरे को सेटिस्फेक्शन जो है मिलता नहीं है। कहीं लगता ना कि प्रॉपर नहीं काटा है, या फिर लेंथ ये वो कर दिया है, परफेक्शन बोल कोई चीज़ ही नहीं है ना। इन लोग खाली पार्लर या सलून वाले नहीं है, हजाम, लिटरली हजाम। मेरे यहाँ पर जो मुंबई में जब मैं हेयर कट करता था, मुझे कभी भी कोई शिकायत हुआ ही नहीं है, जब भी मैंने कटा मैं सेटिस्फाइड ही रहा। इधर पता नहीं क्यों यार, वो एक ही किस्म का ही, वो कन्वेक्शनल जो है वही इनका चल रहा है, इन लोग कोई चेंजेस वगैरह करते ही नहीं है, और ध्यान भी देते नहीं। और इन लोग ऐसा है ना कि आप लोग का ही दोष निकालेंगे कि अरे आप ये नहीं कर रहे हो, हेयर आपका मुड़ गया है, या हेयर का क्वालिटी ख़राब हो गया है, ऐसे वैसे ये वो। खुद का काम ये नहीं करेंगे, आपके ऊपर दोष छपाएंगे। तो फिलहाल चल रहा हूँ बाहर, ज़रा घूम के आता हूँ, ये शाम के बज रहे हैं 7:10 हो रहा शायद उसमें भी। तो फिलहाल मैं जाऊँगा बाहर और मिलता हूँ आपसे। वैलेंटाइंस ईव को निकले हम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, सो यहाँ पर तो हमने विश जो है हमने किया ही नहीं, और विश करने का है हैप्पी वैलेंटाइन डे गर्लफ्रेंड, और वैलेंटाइन डे जो है मैंने मनाया है बिकॉज शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, जिसका नाम है वैलेंटिनो। और फिलहाल उसे लेके घूमने निकला हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैंड्स मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने जैसे रेड बैंड को इसमें लगा नहीं पाया, नहीं तो मैं रेड बैंड चला था, क्योंकि मैं अपने हर बाइक पे मैं रेड बैंड हो गया रोज वगैरह में लगा थोड़ा, बट आज जो है मुझे मिला नहीं लगाने के लिए। फिलहाल ठीक है, विश कर लिया और फिलहाल जाऊँगा तो उसका आज बहुत इसे राइड पे लेके गया था, बहुत जगह घूमा वगैरह, वीडियो जो है शूट नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी बिजी था मैं। तो फिलहाल चलो सिगरेट ख़त्म करते हैं और निकलते हैं बाहर। शाम को गया था बाजार, बाजार वगैरह करके आ गया, यूजली इतना गब्बू वगैरह लगे गया था, बहुत सारे चीज़ें थे, बैग्स थे, तो शूट जो है मैं कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो टाइम पे ना बिल्कुल मन नहीं होता है कि कैमरा निकाल के शूट करो, सामान खरीदो। हाँ, डेडिकेटली जाते हो बाज़ार में खाली शूट करने, तो ही जो है बाज़ार का वीडियो शूट होता है, बट आप बाज़ार कर रहे हो, ये चीज़ लेना होता है, वो चीज़ लेना होता है, इतना सारे चीज़ आपके दिमाग में चलता है, तभी वो पॉसिबल ही नहीं होता है कि कैमरा लेके जो है आप पहले वो चीज़ को शूट करो और करके दिखाओ। डेडिकेटली अगर होता है तो आप वो चीज़ को कर सकते हैं। तो फिलहाल यूजली संडे के दिन का हमारा जो है काफ़ी अलग सा माहौल रहता है, हम लोग
जो है शाम को मैं बाजार जाता हूँ, उसके बाद हम गए थे फिर चाय पीने, हम गए थे वहाँ पर चाय वगैरह पिए, चाय वाय पी के घूम फिर के अभी जैसे मैं घर पे आया हूँ। अभी जो है मेरा पर्सनल टाइम, जो लेजर टाइम जिसे हम कहते हैं ना, अपने आप को देना, वो मैं दे रहा हूँ अपने आप को। अब ये टाइम पे जो है सोचना कि भाई क्या कर रहे हैं हम लाइफ में, क्या चीज़ हो रहा है, क्या क्या चीज़ें जो हमें चेंजेस करना है, ये सब चीज़ बैठ के ये टाइम मैं सोचता हूँ। और यही टाइम मुझे मिलता है संडे के दिन, जहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना, बैठना, खाना पीना, थोड़ा सा मतलब म्यूज़िक सुनना, ये मेरा मतलब चीज़ रहता है। तो फ़िलहाल इन्जॉय कर रहा हूँ टाइम को, आप भी इन्जॉय कीजिए। बहुत ऐसे लोग होंगे जो संडे के, सैटरडे नाइट, संडे वगैरह के दिन इन्जॉयमेंट करते हैं, तो मैं फ़िलहाल अभी कर रहा हूँ।